This is CMS, Canberra's multicultural station, sharing the world. Listeners, you're tuned into 1CM's Radio FM 91.1. On this Sunday morning, the time is 10 a.m. You are listening to the Samoan language program. The next program will be Radio Manpasand Pura Tadka Laga Ke. Jiya Shrotao, agla karyakram hai Radio Manpasand Pura Tadka Laga Ke. Lage rahiye aur sunte rahiye. Good morning, Suprabhatam Sapal Khair. Aaj hai Shak Sambat 1940 Vikram Sambat 2075 Kalyug 5119 aur Vaishak Mahine ki Shukla Paksh ki Chaturdashi yani Ravivar 29 April 2018 aap sun rahe hain aapka mancha aur pasandeeda program yani Radio Manpasand Pura Tadka Laga Ke aur aaj aapke sath main hu RJ Money aur mere sath hain none other than the Google of Bollywood Jagdish RJ Jagdish. Good morning everyone aur aap sabhi logo ka hamara supreme namaskar aur salaam namaste namaste और जगदीश मैं बहुत मुद्दत बाद आया हूं मैं जरा मुद्दत के बाद मेरा मतलब है मैं आपने क्या वर्ड यूज किया एकदम अरे क्यों आज अरे, अरे देखा आज सुबह-सुबह आते ही जगदीश हम पर तड़का लगा रहे हैं मुद्दतों के बाद मिले हैं ऐसा लग रहा है हां जी हां मैं वही कह रहा था कि मैं गया था इंडिया मतलब जो मातृभूमि है वहां पे कैसा रहा आपका उधर का बहुत बढ़िया मतलब वहां पे अभी शुरुआत हो रही है जो गर्मी का मौसम का शुरुआत हो रहा है एंड आई वाज एक्सपीरियंसिंग एनीथिंग बिटवीन 35 एंड 43 डिग्रीज तक बीच में तो आज तो यहां 21 है तो मैक्सिमम 21 आपने दो गुना ऐड कर दिया आज यानी रविवार का जो तापमान जो होने वाला है इट्स गोइंग टू बी ओनली 19 डिग्रीज ओके वैसे रात को 5 हो तो होता है लेकिन दिन का जो तापमान है व्हिच यूज्ड टू बी अराउंड द मिड 20s अभी 19 तक पहुंच गया आई थिंक द शुरुआत ऑफ जो कहते हैं ऑटम जो कहते हैं बहुत लेट इस बार लेट लतीफ बन क्या है ऑटम काफी I think it has been an extended summer जो कैनबरा में आज तक हमने देखा नहीं है और किसी ने मैं किसी एक हिस्टोरियन से पूछा इसके पहले कब हुआ था बोलते हैं नहीं 2002 में भी ऐसा था कि एक्सटेंडेड समर था नॉर्मली कहते हैं आंजक डे तक क्या होता है कि आप जितने भी प्लांटिंग किए थे गार्डन में वेजिटेबल्स उसको सब उखाड़ के फेंकना है क्योंकि it's between जो कहते हैं ना नवंबर में जो मेलबर्न कप डे और आंजक डे इसी के बीच में यहाँ का जो ग्रोइंग सीजन है लेकिन इस बार लग रहा है कि the growing season has extended तो, yes आप बताइए आप तो लग रहा है कि आपका भी कुछ प्रोग्राम वोग्राम था कल कहीं पे गए थे वहाँ पे सिडनी में एक प्रोग्राम था जिसके बारे में आपने पिछले हफ्ते आपने उसका स्पेशल प्रोग्राम तो किया था वैसे दो महान कलाकार बॉलीवुड के दो महान कलाकार कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल एक 90s का जो दशक था
और कुमार सानू और कुमार शानू आई मीन और अनुराधा पौडवाल बस इट बिलोंग टू देम एज वेल एज ऑफकोर्स उदित नारायण और अलका याज्ञिक बट एक 90s का दौर था एक बहुत ही मधुर गोल्डन इरा था मेरे लिए वो म्यूजिक का क्योंकि ये जो चार गायक थे उदित नारायण अलका याज्ञिक कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल जी हाँ और नदीम श्रवण है आनंद मिलिन संगीतकार थे तो एक अलग ही माहौल था एक 90s का और मेरा भी मन लग रहा था कि आई रियली वांटेड टू गो क्योंकि कभी कभी एक आर्टिस्ट आता है यहाँ पे दो बड़े दिग्गज आर्टिस्ट हैं और कुमार शानू आई थिंक ये एज अ किशोर कुमार फैन आई वुड स्टिल लाइक टू से दैट ही इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट persons to actually take over from Kishore in Kishore, that case. Yes, yeah. Kishore Kumar bolenge ki mere beta ye he would follow him but I think Kumar Shanu was a very very good Kishore Kumar impersonator yes, jaise keh sakte hain bahut acche gayak hain on his own I would say was a great he's yes, a great singer definitely. But pata nahi ki jo hua hai Bollywood mein jo you know all those changes jitne hue hain aajkal ke to trend sab change hota rehta hai every now and then the trend changes to ye sab log jo gayak hai jo kumar sanu jo udit narayan alka yadnik anuradha sab piche pad gaye hain kyunki naye singers aa rahe hain gaane ka style badal gaya hai pura but jaise mausam aata hai mausam mein jaise patjad fir saawan fir bahar and you know ये मौसम जो बदलता रहता है वैसे ट्रेंड्स आल्सो चेंज इन म्यूजिक फील्ड में मेरे ख्याल से लेकिन बट जिस ये साइक्लिकल है तो मेरे ख्याल से इट विल कम बैक अगेन तो चलिए आज शुरुआत करते हैं मौसम के बारे में बात करते हैं लेकिन याद रहिए कि ये है रेडियो मनपसंद अगर जो मौसम आपने इंडिया में छोड़ के आया और इंडिया में या कहीं पे 90s में छोड़ के आया और 70s और 60s और 50s we can recreate all that here kyunki hum dono hain mani aur jagdish aur hum dono saath hain iska matlab hai ki we go back to the golden era of music Bollywood ji yeah, yeah that's lekin right. pehle mausam ke bare mein zarur zarur just to show that how things change but stay still bahar sab color change ho rahe hain but red and yellow beautiful combination hai लेकिन प्यार
हाँ श्रोता, एक बरस का मौसम चार। और जब मौसम की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली, जैसे मैंने कहा, एनजैक डे एक दिन है विच मार्क्स द एंड ऑफ जो समर एंड द सॉर्ट ऑफ द बिगनिंग ऑफ विंटर, द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन। और एनजैक डे यहाँ पे, जैसे आपको पता होगा, इट्स प्रॉब्ली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे इन द ऑस्ट्रेलियन कैलेंडर। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया डे तो इज वेरी कॉन्ट्रोवर्सियल होता है, लेकिन एनजैक डे एक दिन है जिसके बारे में बाकी सब जितने भी हॉलीडेज हैं, दे आर ऑलवेज लाइक अ लॉन्ग वीकेंड बना देते हैं, लेकिन एनजैक डे इज सो सीक्रेट कि उसकी जो है उसके बारे में इट्स अनटचेबल कह सकते हैं, इट्स टोटली अनटचेबल। और जगदीश जी, ये जो एनजैक डे है इसमें इतने सालों से, एनजैक डे आपको पता है, इट मींस ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आर्मर्ड कोर, इट ओनली कमेमोरेट्स द ऑस्ट्रेलियंस एंड द न्यूजीलैंडर्स हु फॉट इन वर्ल्ड वॉर वन। और एनजैक डे जो है, इट कमेमोरेट्स द डे व्हेन द डिगर्स लैंडेड इन गैलिपोली। लेकिन आपको पता होगा कि इंडिया में, दिल्ली में जो इंडिया गेट है, दैट इज ऑल्सो ए मेमोरियल फॉर द सोल्जर्स हु डाइड इन वर्ल्ड वॉर वन। जी हाँ, जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल है, लेकिन वी डोंट हैव अ मेमोरियल लाइक दैट। और मेरे ख्याल से जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, ही वाज सो इम्प्रेस्ड विद द ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल कि उन्होंने एक प्लान बनाया कि दिल्ली में भी एक वॉर मेमोरियल बनेगा, एंड आई थिंक द प्लान्स आर अफुट इन प्लेस। और यहाँ पे मैंने बहुत साल से ये कोशिश किया, मैंने नहीं, सब लोगों ने, कि वी हैव टू ऑल्सो हाईलाइट द रोल प्लेड बाय इंडियंस इन वर्ल्ड वॉर वन इन गैलिपोली अलॉन्ग विद द ऑस्ट्रेलियंस। हम भी वहाँ के उनके साथ थे, बट यहाँ के लोगों को उतना पता नहीं था। और जब पिछले जो एक हमारे एक एमएलए थे, ब्रेंडन स्मिथ, वो हमेशा हर इंडियन प्रोग्राम में आते थे, एक हमारे कम्युनिटी प्रोग्राम्स में, ही यूज्ड टू ब्रिंग अ बुक अबाउट द एनजैक्स, एंड ही वाज ऑलवेज हाईलाइटिंग कि इंडियंस फॉट शोल्डर टू शोल्डर, दे वर गुड मेट्स विद द ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स इन गैलिपोली। और उसमें से जितने भी गैलिपोली में बहुत सारे लोग मारे गए, तकरीबन एक लाख 25,000 लोग मारे गए थे। और लेकिन उसमें बहुत सारे हमारे भारतीय जो नागरिक थे, who fought under the British flag. Yes, yeah. They also died. I think about 1.2 million Indian volunteered to fight for the British Indian Army in World War One. अच्छा। और जिसमें बहुत सारे सिख भाई थे। Sikh, yes, 22% of the British Indian Army were Sikhs. अच्छा। बहुत बहुत ही। और World War One और Two में करीब करीब 83,000 Sikhs were, वो शहीद हो गए थे। जी हाँ, और अभी भी आज भी जितने भी हमारे रेगुलर इंडियन आर्मी है, आजकल आर्म फोर्सेस में सिक्स प्ले वेरी बिग पार्ट, ऑफ कोर्स, यस, तो बड़े वीर होते हैं वो, बहुत ही। और अभी आई थिंक द ट्रेंड हैज स्टार्टेड वेयर दे आर रिकॉग्नाइजिंग द इंडियन कंट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड वॉर वन अलॉन्ग विद द एनजैक्स, और दे आर एक्चुअली सम ऑफ देम आर मार्चिंग अलॉन्ग विद द एनजैक्स। और स्पेशली पर्थ में एक ऑस्ट्रेलियन सिख मेमोरियल काइंड ऑफ दे आर मेड इट वेयर दे आर डिस्प्लेइंग द रोल ऑफ, और इसमें एनजैक्स ऑस्ट्रेलियंस भी थे, ऑस्ट्रेलियन सिख्स, देयर आर अबाउट 20 to 25 ऑस्ट्रेलियन सिख्स हु आल्सो डाइड इन द वर्ल्ड वॉर वन, बट दे वर नॉट इन्वॉल्व्ड इन गैलिपोली। और सबसे एक आपको पता होगा कि द मोस्ट फेमस गैलिपोली वेटरन was a person called Simpson. अगर आपने देखा होगा, Simpson and his donkey, जो ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल के बाहर एक पुतला है, is supposed to be one of the most famous. उसने ज़्यादा कुछ किया नहीं था. All he did was, he was transporting, he was on the mules, on the donkeys, he was transporting supplies from the, in the war front. Yeah. And that's how he became famous. That even, जैसे कहते हैं ना, even the smallest, जो हमारे रामायण में होता है, इवन द स्मॉलेस्ट जो स्क्विरल है, स्क्विरल्स कंट्रीब्यूशन इज आल्सो देयर, वैसे इसका भी रोल काफी इज कंसीडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट। सो इसका नाम था सिम्पसन, जो है उसका फुल नेम था जॉन सिम्पसन किर्कपैट्रिक। और ये, ही वाज अ म्यूल ड्राइवर, एंड बाकी जितने भी इंडियंस थे वो भी बहुत सारे म्यूल ड्राइवर्स थे। तो कहते हैं कि ही यूज्ड टू लाइक टू स्पेंड टाइम विद द इंडियन म्यूल ड्राइवर्स इन गैलिपोली। एक उसका एक मेन रीजन एक था, he liked the fresh food that was cooked by the Indian troops.
कहते हैं कि he used to say he enjoyed eating the chapatis and the freshly cooked curries because जो इनको Australian troops को दिया गया था it was just some canned beef or something he didn't like that so his in that way he expressed how much he loved the Indians और लेकिन जितने भी Indians थे जैसे मैंने कहा था हमारे Sikh भाई थे they played such a big role yes and we have to really commemorate that their services not only to the troops the Indian British army from the World War One but also even today the major role that they play in serving our nation and yes. protecting our borders to isi par ek pyara sa ek gana zaru, zaru. Punjabi yes. gana hai yes about the how they are the Govind ke lal hai wo हाँ गोविंद लाल सूफिया जिसे गोविंद यानी गुरु गोविंद सिंह ही इज द वन हु कन्वर्टेड द सिक्स इनटू अ मार्शल रेस जी हाँ आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के आज तड़का लगा रहे हैं मैं हूँ आरजे मनी और मेरे साथ हैं आरजे जगदीश और शायद आज हमारे स्टूडियो के फोन्स कुछ शायद काम नहीं कर रहे हैं तो अगर आपको कुछ फीडबैक भेजने तो हमें ईमेल से कर सकते हैं रेडियो मनपसंद yahoo.com.au और जैसे जगदीश जी हम बात कर रहे थे अबाउट द मौसम और कभी आजकल के मॉडर्न सिंगर्स एंड वी वेंट बैक टू कुमार सानू एंड ऑल दैट लेकिन सबसे पहले वी आर गोइंग बैक 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 इन टाइम एक बहुत पुराने एक गायक है जिसके आप जायज इनके बारे में बहुत ज्यादा जानते हो मेरे से बहुत ज्यादा तो नहीं मगर एक 30s और 40s में एक आई मीन उस जमाने में तो कुछ प्लेबैक सिंगिंग था ही नहीं सब लोग पर्दे पे काम करते थे और गाते थे भी और उसमें से एक है कानन देवी तो उस जमाने में एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर थी और उस जमाने में जितने भी सिंगर्स आई थिंक दी जो बॉलीवुड है प्रोबब्ली स्टार्टेड फ्रॉम टॉलीगंज और टॉलीवुड और बंगाल से मोस्ट ऑफ दोज एक्टर्स म्यूजिक डायरेक्टर्स वेयर फ्रॉम वेस्ट बंगाल तो ये जो कानन देवी है इनकी आवाज बहुत ही मीठी थी बहुत ही मुझे अच्छी लगती है उनका एक गाना तो हमने बहुत बार सुना है दुनिया तूफान मेल एक गाना है वो तूफान मेल बहुत फास्ट गाना है और एक बहुत बढ़िया गाना है फील लाइक और बहुत फिलोसॉफिकल गाना है वो अच्छा उसमें लग रहा है कि ट्रेन जा रहा है ट्रेन जा रही है तो उनकी बहुत सारी फिल्में हैं उस जमाने की 30s और 40s की और उनका और एक फिल्म आई थी उस जमाने में जिसका नाम था जवाब उसमें एक बहुत ही प्यारा गाना था
अगर हम उसकी थोड़ी झलक सुन सकते हैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी. और वो गाना है, ए चांद छुप ना जाना जब तक मैं गीत गाऊं. मैं गाऊंगा तो चांद जरूर छुप जाएगा. नहीं 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 नहीं, झलक आपको पूरा गाना ही सुना देता. नहीं नहीं, तो हम उनकी आवाज में जो ओरिजिनल गाना है वो सुनेंगे. बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही मीठी आवाज थी उनकी. कैसे लगा आपको ये गाना? चांद छुपने की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि अभी पूर्णिमा आने वाली है. बस दो ही दिन में बाकी है पूर्णिमा. आई थिंक 30 अप्रैल को है पूर्णिमा, तो चांद छुपने की कोई जरूरत नहीं. और अगर जगदीश आप गाएं दे, चांद नहीं छुपेगा, बस चांद बाहर निकलेगा, पूरे शान से चांद निकलेगा. और हम बात कर रहे थे अबाउट कानन देवी जी, जिनका अगर वो जिंदा होते हैं तो उनका बर्थडे सम टाइम अराउंड दिस टाइम 22 अप्रैल को था. और शी वाज आल्सो अवार्डेड काफी कुछ, पद्मश्री मिली थी उन्हें और दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला था उनको 1976 में. एंड शी डाइड ऑन 17th of July 1992. तो एक बहुत ही मधुर गायिका थी. जी हाँ, और प्रॉब्ली वन ऑफ द ट्रेल ब्लेजर्स उस जमाने में. Yes, exactly, off, फीमेल सिंगर. और अभी बात करते हैं और एक उस जमाने के एक्ट्रेस थी जिनकी उनका भी बर्थडे इज अराउंड द सेम टाइम. और मेरे ख्याल से उनका नाम है, लेकिन अगर आप मुंबई के, हम दोनों मुंबई के हैं, आई यूज्ड टू रिमेंबर ऑलवेज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन दोस डेज. उस जमाने में टॉलेस्ट बिल्डिंग थी उषा किरण. उषा किरण, यस. वी ओनली न्यू दैट नेम एज अ बिल्डिंग. मुझे पता नहीं कि whether it was named after this person or whether this person was named after the building. पता नहीं. I don't know. वो भी नहीं कह सकते. कह सकते हैं. But we always used to love. अरे उषा किरण. उषा किरण. Yes. Yeah, right. Yeah. तो हम बात करें उषा किरण की, जिनका भी birthday is around the same time इस समय. और वो एक actress थी and yes, actress थी. और वो मराठी फिल्मों में काम किया था उन्होंने. पहले मराठी प्लेज में काम किया था. आपको पता है कि मराठी थिएटर है. हाँ, उसकी परंपरा बहुत पुरानी है, बहुत ही बड़ी परंपरा है. पुराने जमाने में म्यूजिकल्स हुआ करते थे, म्यूजिकल प्लेज. और आज तक मराठी जो प्लेज है, मराठी थिएटर बहुत ही एक्टिव है. बहुत सारे प्लेज आते हैं और हिट होते हैं. बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे प्लेज होते हैं. तो उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत मराठी प्लेज में की, मराठी मूवीज में की. और एक बार उनको मौका आया कि उन्हें अमिया चक्रवर्ती, उस जमाने के एक बहुत बड़े
डायरेक्टर थे, उन्होंने एक दाग नामक फिल्म बनाई थी, उसमें उषा किरण को चांस दिया। तो बाद में एक फिल्म आई देवानंद के साथ, दाग फिल्म थी दिलीप कुमार के साथ और निम्मी थी, मगर देवानंद के साथ उनको फिल्म मिली पतिता, जो 1953 में आई थी, और ये फिल्म बहुत ही सुपरहिट रही थी। और उसके बाद उन्होंने अमिया चक्रवर्ती जो डायरेक्टर थे उनके साथ बहुत सारी फिल्मों में काम किया, और वो जानती थी कि अमिया चक्रवर्ती मैरिड मैन है, फिर भी उनका अफेयर चल रहा था। शी वॉज मैडली इन लव विथ अमिया चक्रवर्ती, और उनसे कई साल उम्र में वो बड़े थे। तो मेरे ख्याल से फिल्मों में हो ही जाता है, देखो कितने बार हमने देखा है, जैसे मीना कुमारी, कमल अमरोही ऑलरेडी मैरिड थे, फिर भी उनका मीना कुमारी के साथ इश्क हो गया था। अब हाल में हम कुछ साल पहले की बात है, आदित्य चोपड़ा जो है यशराज फिल्म्स के, उनका और रानी मुखर्जी, बाद में उनकी शादी भी हो गई। तो आई थिंक मेरे ख्याल से दिन रात साथ में रहते हैं शूटिंग के दौरान, बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट हो जाता है, तो हो जाते हैं। तो शी वॉज उनका बहुत ही जोर से अफेयर चल रहा था, मगर ही वॉज अ मैरिड पर्सन, तो उसने छोड़ दिया। और बाद में एक डॉक्टर के साथ शादी की, जिनका नाम था मनोहर खेर, यानी डॉक्टर मनोहर खेर। तो आइए सुनते हैं गाना। इसका मतलब हमने बहुत गलती की कि हम इंजीनियर बने, हमें फिल्म डायरेक्टर बनना चाहिए था। तो आप शादीशुदा होकर आपको कोई और गर्लफ्रेंड मिल जाती थी। अभी भी लेट नहीं, अभी भी कर सकते हैं आप। And age is not an issue. Age is not an issue. Yes, age is just a number. Number. Especially when you're a film director. Exactly. Yeah, it doesn't matter. और जैसे माधुरी दीक्षित ने कहे बाद में किसी डॉक्टर से शादी की, डॉक्टर नहीं, she followed the lead of Usha Kiran की, उनको भी कोई डायरेक्टर नहीं मिला तो डॉक्टर पकड़ ली। और लेकिन अभी लेटेस्ट आज का न्यूज है कि कैनबरा में सबसे हाईएस्ट पेड है डॉक्टर, सर्जन्स एंड एनेस्थेटिस्ट। तो चलिए सुनते हैं उषा किरण और आई नेवर न्यू। आपने बताया कि इसका तो गाना बहुत पॉपुलर है, गाना तो बहुत पॉपुलर है इसमें इसका, मगर लोगों को पता नहीं था कि हीरोइन कौन है। हीरोइन भी नहीं, और हीरो इज अ देव, हीरो तो देवानंद है, वो तो सबको पता है। ये बहुत पॉपुलर गाना है, बहुत पॉपुलर है ऑन स्टेज, दिस इज अ वेरी रेगुलरली सॉन्ग, क्योंकि इट्स वेरी मेलोडियस बट इजी आल्सो टू एक्चुअली सिंग एंड टू लिसन, इजी लिसनिंग। यस, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। ओ, खो रहे हो आज किस ख्याल में, दिल ने कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। सुबह हो गई,
की है सुबह हो गई। दिल ने कहा हो तुम प्यार से पुकार लो जहां हो तुम प्यार से पुकार लो जहां हो तुम। ओ तुम हमारी जिंदगी के बाग हो के बाग हो तुम हमारे राह के चराग हो मेरे लिए आसमां हो तुम याद किया दिल ने कहा हो तुम प्यार से पुकार लो जहां हो तुम प्यार से पुकार लो उषा किरण की हम बात कर रहे हैं जो इस फिल्म में उन्होंने काम किया था देवानंद के साथ पतिता यस। तो और एक मैं बात कहना चाहूँगा कि उनकी जो बेटी है जिनका नाम है तन्वी आजमी तो आप कहेंगे तन्वी आजमी कैसे है भाई जी हाँ, तो वो बेटी ने शबाना आजमी के भाई यानी बाबा आजमी जो एक बहुत ही नामी फोटोग्राफर है अच्छा। फिल्मी फोटोग्राफर तो उनके साथ शादी हुई है उनकी और ये तन्वी आजमी ने बाजीराव मस्तानी में बाजीराव के मदर का रोल किया था ओ। और उनके ग्रैंड डॉटर है संयमी खेर जिन्होंने एक फिल्म में काम किया था हर्षवर्धन कपूर यानी अनिल कपूर के बेटे उनके साथ एक फिल्म आई थी कुछ साल पहले मिर्जिया उसमें काम किया था हीरोइन का मगर वो फिल्म तो चली नहीं तो मगर ये उषा किरण के बाद एक उनके फिल्मों में काम करने का सिलसिला चलता आ रहा है। तो हम भाई आप तो बड़े आपको मैं सलाम करता हूँ कि आप एक CBCID की तरफ पूरा यू हैव द फुल डिटेल्स ऑन एवरीबॉडी एंड कहते हैं ना आजकल जो फेसबुक का एक कैम्ब्रिज एनालिटिक्स की सब डिटेल्स रखे आप तो दिमाग के अंदर पूरे डिटेल्स रखे हैं। यस 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 हमारे साथ जगदीश जी हैं आरजे जगदीश को मतलब जी ये रेडियो मनपस में जितने भी आपको पूरा आपको छान मान करके कहीं किसी पुस्तक बुक लेके डिक्शनरी कुछ नहीं एनसाइक्लोपीडिया नीचे बस सुनते रहिए पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं जी हाँ आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के और अभी एक और एक पुराने जमाने के एक एक्ट्रेस हैं जिनका जो पुण्यतिथि है इट कम्स अराउंड दिस टाइम और जिनका नाम है निगार सुल्ताना और इनके बारे में बताइए ये तो काफी एक तो इनका एक बहुत ही पॉपुलर गाना है जो बहुत बार हम सुन चुके हैं बट इट नेवर टायर्स वी नेवर टायर अबाउट लिसनिंग टू दैट सॉन्ग। और दूसरा एक है मुगले आजम में भी ये थे मुगले आजम में जो एक बहार जो कैरेक्टर था जो दिलीप कुमार जो सलीम के पीछे पड़ी रहती है तो उसका एक निगेटिव शेड वाला रोल किया था मगर पतंगा जो फिल्म आई थी तो ये हीरोइन थी कि नहीं हीरोइन नहीं थी सेकेंडरी रोल था वैसे अच्छा, हीरोइन तो मधुबाला थी ऑफ कोर्स नहीं जनरली इनका जो पुराने जमाने में हीरोइन का रोल किया था इन्होंने एक राज कपूर की फिल्म आई थी आग उसमें भी थी उसमें वैसे तीन हीरोइंस थी और एक पतंगा फिल्म आई थी जिसका ये गाना है मेरे पिया गए रंगून ये गाना ये इस फिल्म के गाने सभी गाने पॉपुलर थे ये सुपर हिट फिल्म थी मगर ये गाना हमेशा हम सुनते हैं बहुत ही पॉपुलर गाना है। मिर्जा गालिब एक फिल्म आई थी 1954 में यहूदी है तो बहुत सारी फिल्में हैं तो जमाने में जितने भी मूवीज आते थे मोर ऑर लेस हिस्टोरिकल मूवीज हिस्टोरिकल या बहुत सारी ये जो रोल्स प्ले करती थी मोस्टली अबाउट उस जमाने के हिस्टोरिकल रोल्स एंड कुछ कुछ फिल्में उनकी हिस्टोरिकल थी यस तो और उन्होंने जो फिल्म मेकर जो मुगल आजम के फिल्म मेकर के आसिफ
कैसे? उनके साथ उनकी शादी हो गई थी। अरे रे, ये फिर से हो गया ना चक्कर। एक्ट्रेस और डायरेक्टर, मैंने भी ये सोचा था, आपने कैसे सोच लिया? देखा, मेरा एंटेना इसमें सब आपके एंटेना, बस इसके बच्चे कौन है, इसके पोते कौन है, पोतियां कौन है, किस फिल्म में आके इसमें एंटेना आपके उसमें फोकस हो रहा है। मेरे एंटेना तो कौन सा डायरेक्टर किसके साथ अफेयर चल रहा है। यस, गुड। तो आइए सुनते ये गाना पतंगा फिल्म से, जिसका संगीत दिया था सी रामचंद्र ने, और ये गाना बहुत ही पॉपुलर है, हमने बहुत बार सुना है, फिर भी इट्स अ वेरी वेरी मेलोडियस सॉन्ग है, कभी हम बोर नहीं होते ये गाना सुनकर। गाना उन्हें मेरे पिया गए मूवी डायरेक्ट करने। हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, पिया गए रंगून, पिया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, पिया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए, हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए, हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए, हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए, हम बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, पिया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, लेकिन हमारे जगदीश जी अभी लाइन पे लगे थे, मोर कहीं किसी को फोन कर रहे थे, रंगून वंगून नहीं, कहीं पर लोकल कॉल कर रहे थे, ठीक है, हाँ स्टूडियो में, लेकिन देखा श्रोता आपको पसंद है, अगर ना पसंद आया यू वुड वांट टू रिंग अस ऑन द स्टूडियो, लेकिन आज स्टूडियो के फोन कुछ काम नहीं कर रहे, तो हमें फीडबैक दीजिए ऑन रेडियो मनपसंद @yahoo.com.au। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और जगदीश जी आपको पता है कि शोले जो मूवी था, ऑफकोर्स इट इज वन ऑफ द समथिंग सॉर्ट ऑफ म्यूजियम, इट्स अ म्यूजियम पीस, समथिंग टू बी प्रिजर्व्ड एंड फॉर पोस्टेरिटी एंड टू बी, उस फिल्म में एक कैरेक्टर था जिसका नाम था सांभा। अरे वो सांभा, सांभा वेरी वेरी पॉपुलराइज बाई नन अदर देन गब्बर सिंह। Yes, yeah. लेकिन ये सांबा आपको पता है किसने ये रोल किया था? सब शायद उस फिल्म के बाद पब्लिक को पता चला कि इसका जो एक्टर था उसका नाम था मैकमोहन। Yes.
और उनका असली नाम मैं भी सोचा मैकमोहन ये क्या होता क्या है. एक्चुअली ही इज अ सिंधी यानी इसका नाम था मोहन मकीजानी. तो मेरे ख्याल से मैं सोच रहा था सिंधी कितने एक्टर्स होते थे. सिंधीज आर अ वेरी एंटरप्रेन्योरियल कम्युनिटी. सो मगर उनका फिल्म वर्ल्ड में उतना कंट्रीब्यूशन नहीं. और ये रणवीर सिंह जो है आजकल का हीरो हाँ वो सिंह नाम रखा है बट ही इज अ सिंधी एक्चुअली. और यश चोपड़ा ने उनको कहा था कि भाई आपका जो सिंधी नाम है आपको चेंज करना पड़ेगा आपको सिंह बनना पड़ेगा. सिंह नाम को मेरे ख्याल से शायद ज्यादा वजन आता है पता नहीं. तो वो सिंधी है एक्चुअली रणवीर सिंह. उसका मतलब है ही सच अ ग्रेट वेरी गुड एक्टर. यस वेरी गुड. यस टेकन केयर ऑफ ऑल द सिंधी कंट्रीब्यूशन. वैसे आपने पिछले हफ्ते किसी ने बबीता पे की थी. यस वो सिंधी है. यस या तो वैसे ये मोहन मकीजानी या मैक मोहन ये भी सिंधी थे बॉर्न इन कराची. और ये बहुत सारे फिल्म्स किए थे. बहुत सारे फिल्मों एकदम छोटे मोटे साइड किक जो होते हैं ना विलन के छोटे मोटे रोल किया करते थे. पर इतने सारे रोल किए उन्होंने पर हम उनको ध्यान रखते यानी याद रखते हैं सिर्फ और सिर्फ शोले के कारण. जी हाँ. और वो जो विलेनस रोल करते थे उसमें भी ही वाज अ वेरी नॉट अ वेरी एंग्री विलेनस. क्योंकि नहीं, उसका नहीं. आपने देखा सांबा के जो इस बॉडी इस विलेन की रोल बिल्कुल नहीं हो रहा. Such a lean and skinny yes, type का person था. और मुझे ये भी पता नहीं कि actually हुआ क्या उसका फिल्म में शोले में हुआ क्या actually सांबा का क्या हुआ. What happened to him? कुछ याद है मुझे याद नहीं कि was he killed was he मुझे याद ही नहीं है. वो कभी उतरे नहीं बस उस पत्थर के ऊपर बैठे रहते थे बस. यार नहीं गब्बर सिंह तो और तीन लोगों को मारता बट मेरे ख्याल से सांबा तो जिंदा रहता है. सांबा ऑफ कोर्स जिंदा है. सांबा इज राइट हैंड. एग्जैक्टली सांबा होली कब सांबा ये बट सांबा को बाद में लास्ट में कभी क्या वीरू और जय मार देते हैं कुछ कुछ याद नहीं है दिखाई नहीं मेरे ख्याल से कुछ. ये अगर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं शोले के बारे में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं उनको हर सीन हर डायलॉग पता है. शायद दे कैन गेट बैक टू अस विद ईमेल टुडे एंड बता दें कि सांबा का होता क्या है इस मूवी में. तो ये जो मैकमोहन है जी हाँ इनका भी अगर वो जिंदा होते तो हिज बर्थडे फॉल्स अराउंड दिस टाइम. बट अगर ये जो रोल किए थे सांबा देहाती डाकू बट ही इज नॉट इन रियल लाइफ ही वाज क्वाइट अ डिफरेंट पर्सन. ही वाज अ वेरी अडेप्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज. बहुत अच्छे इंग्लिश ऑफ कोर्स. और बहुत सारे ही हैज इवन डन सम रोल्स इन अदर मूवीज जो नॉन इंग्लिश मूवीज में भी वो काम कर चुके हैं. तो नॉट ओनली इन ही हैज वर्क्ड इन भोजपुरी गुजराती हरियाणवी मराठी पंजाबी एंड सिंधी बट उड़िया. But he has also done Russian and Spanish movies. और इस फिल्म के बाद बहुत सारे फिल्मों में उनका नाम रखा गया है जो कैरेक्टर था was called Mac. और एक बीच में कुछ साल पहले कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी. अच्छा ये जो है ये रवीना टंडन है उनके मामा है. अच्छा तो कुछ अवार्ड में कुछ लोगों को लगता था कि वो जूरी मेंबर थे अवार्ड देने के लिए. रवीना टंडन को कुछ अवार्ड दिया गया था मेरे ख्याल से दमन मूवी के लिए. अच्छा तो लोगों को लगा था कि शायद कुछ ये बोर्ड पे थे तो शायद उन्होंने कुछ पार्शियलिटी करके रवीना टंडन को अवार्ड दिया. पर मेरे ख्याल से दमन में उनका रोल बहुत अच्छा था तो शायद द फैक्ट दैट ही इज ऑन अ जूरी ही इज क्वाइट अ रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द फिल्म कम्युनिटी. या ही वाज बोर्न ऑन द 24th ऑफ अप्रैल. और एक मूवी है आओ प्यार करें जिसमें एक गाना है और जिसमें ही इज एक्चुअली अ डांसर एंड ऑफ कोर्स इज अ वेरी क्लम्सी डांसर बिकॉज उनका बॉडी जो है एज यू कैन इमेजिन एक लॉरल हार्डी का लॉरल जैसा उनका बॉडी था. तो चलिए वो गाना सुनते हैं फ्रॉम द मूवी आओ प्यार करें. झुकी 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 निगाहें तेरी ये रुकी रुकी झुकी सी आहें तेरी दिल का राज कह गई तुझको प्यार है कहीं अब ये बात छुप सकेगी कैसे तेरी है. ये झुकी 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 निगाहें तेरी ये रुकी 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 सी आहें तेरी दिल का राज कह गई तुझको प्यार है कहीं अब ये बात चुप सकेगी कैसे तेरी ये झुकी 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 निगाहें. वाह वाह म
मस्तियों में डूबी मस्त मस्त तेरी अदा, हर अदा में झूमता हुआ सा एक नशा। मस्तियों में डूबी मस्त मस्त तेरी अदा, हर अदा में झूमता हुआ सा एक नशा। है राज क्या समझ लिया समझ लिया, ये झुकी 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 निगाहें तेरी, ये दुखी 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 सी आहें तेरी। दिल का राज कह गई तुझको प्यार है कहीं, अब ये बात छुप सकेगी कैसे तेरी। ये झुकी 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 निगाहें ये तेरी सादगी ये बांकपन ये शौकियां, मुँह छुपा नहीं तो गिर पड़ेगा आसमान। ये तेरी सादगी ये बांकपन की शौकियां, मुँह छुपा नहीं तो गिर पड़ेगा आसमान। है झूठ क्या खुदा गवाह खुदा गवाह, ये झुकी 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 निगाहें तेरी, ये दुखी 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 सी आहें तेरी। दिल का राज कह गई तुझको प्यार है कहीं, अब ये बात चुप सकेगी कैसे तेरी। ये झुकी 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 निगाहें, अरे मुझे निगाहें झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे सामने जो जगदीश जी हैं बैठ के, वो भी डांस करने लगे ये गाने पर। क्या है आपको ये गाना काफ़ी? अरे ये तो मेरे बचपन का गाना है। ये जो फिल्म आई थी आओ प्यार करे 1964 में, तब इस फिल्म के सभी गाने सुपर हिट थे। यानी संगीत दिया था उषा खन्ना, बहुत ही बढ़िया गाने थे, जॉय मुखर्जी और सायरा बानू। इसका और एक गाना था ना, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, बहुत एक सुपर डुपर हिट गाना था। जरा गा के बताइए, मुझे याद नहीं आ रहा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, और बहुत ही बढ़िया गाना था लता और रफी का। तो एक मुझे एकदम अपने बचपन की यादें सब ताज़ा कर दिया आपने। मेरा यही काम होता, आपके साथ आता हूँ, आपको बस आई टेक यू बैक इन टाइम। और मैं गाना इसलिए बजाया था क्योंकि इस गाने में जो जॉय मुखर्जी के साथ मैकमोहन ने डांस किया था। क्योंकि मेरे ख्याल से उनके ऊपर एक भी गाना फिल्माया गया नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं नहीं नहीं, बेचारे सब विलन के रोल हुआ करते थे उनके। जैसे कहा सांबा इज द वन, ही इज नॉट इवन नोन एज मैकमोहन, ही इज नोन मोर बाय द वर्ल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के, और हमेशा हम ये प्रोग्राम में ये कोशिश करते हैं कि जो भूले बिसरे एक्टर्स डायरेक्टर्स म्यूजिक डायरेक्टर्स लिरिसिस्ट उनको सब याद करते हैं, बिकॉज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट एप्टली रिकग्नाइज्ड आजकल। ये मूवी वर्ल्ड भी ऐसा है कि व्हाट इज करंट इज मोर पॉपुलर, व्हाट इज पास्ट इज टोटली फॉरगॉटन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक साउथ इंडियन एक सिंगर है, आपको पता होगा, जिसका नाम है एस जानकी। यस जी हाँ, जिन्होंने आप शी हैज संग अबाउट 48,000 सॉन्ग्स अलग अलग लैंग्वेजेस में। जी हाँ, बहुत सारे लैंग्वेजेस में। उनका बर्थडे भी है जो है 23rd ऑफ अप्रैल को, एंड शी इज टर्निंग 80 दिस ईयर। Yes, yeah. और मेरे ख्याल से she has actually stopped singing, but उनकी आवाज जो है it's कहते हैं ना एक almost squeaky. तो जब she was actually recognized very late in the Hindi movie industry, और बप्पी लहिरी is the one who caught on to her. तो सुना है कि he went to the studio, इलैयाराजा का काफी favorite singer थी she, और उन्होंने इलैयाराजा से पूछा कि ये आपका गाना ये गा रही है ना, आई वॉन्ट दैट लिटिल गर्ल, बच्ची जो है दिखा था आपको बच्ची, तो आइए 60 साल की। तो ऐसा ना कि आवाज में इतना एक स्वीटनेस है, एक प्रकार का बच्चियों का आवाज है। व्हाट यू कॉल दैट, वेरी स्क्वीकी आवाज है उनका। तो she played so the kind of song she got actually was very jo mischievous young girls singing that song, kafi ek prakar seductive songs she used to sing. To kafi unhone, as you said, Bappi Lahiri ne sahib film mein ek gana unko diya tha, aur khud Bappi Lahiri ne gaya tha wo S Janaki ke sath, aur parde par Anil Kapoor aur
अमृता सिंह ने गाया था, तो एक सुपर डुपर हिट गाना है उस जमाने का। अच्छा, ये अच्छा, अच्छा। मेरे ख्याल से आप वही गाने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं जो यार बिना चैन कहा रे, अरे वो अच्छा, वो एस जानकी और बप्पी लहरी ने गाया है। I didn't even know that. मैंने और एक गाना लाया हूँ जिसमें it's only I think she's singing solo मेरे ख्याल से। Okay, yeah, yeah. तो प्यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे, सुनन नहीं चंदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले। अच्छा अच्छा, I think I should play that song. देखता हूँ if I can play that song. Yeah, yeah. Beautiful song. देखा आपने, एक आपने चाहा था और एक गाना ना, you requested another song, but ये गाना भी आप बोल रहे हैं, it's a beautiful song. Beautiful song, again बप्पी लहरी, और ये फिल्म थी सत्यमेव जयते जो 80s में आई थी, जिसमें विनोद खन्ना थे। और श्रोता आप जानते हैं कि विनोद खन्ना हमारे एक बॉलीवुड के बहुत ही डैशिंग, एक बहुत ही बढ़िया एक्टर थे, हीरो थे, और उनका देहांत हुआ था पिछले साल 27 अप्रैल को। ओ, तो आज का दिन
दो दिन पहले हुआ था. दो दिन आज 29 है. दो दिन पहले हुआ. यस यस ये तो इतने हमारे बॉलीवुड के बहुत एक उस जमाने में उन्होंने अमिताभ बच्चन को टक्कर दी थी. बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया था. एक बहुत ही फिल्म है अमिताभ बच्चन उनके साथ. He was such a dashing, handsome dashing, young yes, man. तो अमर अकबर एंथनी है, हेरा फेरी है, बहुत फिल्में उनकी बहुत ही है. और एक इम्तिहान फिल्म आई थी, एक उसमें एक उनका अलग टाइप का रोल था, एकदम प्रोफेसर का, चश्मा पहन के एकदम सीरियस लुक. जी हाँ, डी ग्लैम कर दिया. एग्जैक्टली करके तनुजा थी उसमें. उस जमाने में एक ट्रेंड था ना, ट्रेंड था. जितेंद्र भी जितेंद्र का परिचय में एकदम बदल दिया था. किनारा, खुशबू, ये तो देयर वाज अ ट्रेंड कि इनको डी ग्लैमराइज करें. यस, ये किसका आईडिया था. बट आई रिमेंबर मेरे अपने वाज अनदर क्लास मूवी बाय जिसमें थे विनोद खन्ना. एंड ये गाना, ये जो इम्तिहान फिल्म आपने जो बताया था, जिसमें वो एज अ लवली सॉन्ग बाय किशोर कुमार yeah. और मुझे याद है बचपन में मैं जब क्लास में एक सोशल साइंस क्लास में गाना पढ़ता था तो आई यूज्ड टू सिंग दिस सॉन्ग. रियली? तो एक दो लाइनें सुनाइए. रुक जाना नहीं तू कहीं आके, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के. ओह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. तो चलिए वही गाना, ओरिजिनल गाना सुनते हैं. यस, रुक जाना नहीं, लेकिन रुके नहीं. विनोद खन्ना जी, हमें ये लास्ट मिनट में अभी पता चला जगदीश जी आपके बदौलत, तो आई वुड हैव प्रेजेंटेड अ होल प्रोग्राम ऑन विनोद खन्ना जी. तो लगता है कि अगला प्रोग्राम में शायद वी हैव टू पे प्रॉपर जो श्रद्धांजलि देना है विनोद खन्ना जी को, तो और भी गाना बजाना पड़ेंगे हमको. लेकिन विनोद खन्ना वॉज सच
I can't. He just died out of the. I didn't even know because wo chale gaye the into that Osho case mein chale gaye the, and then we lost touch with him. And then of course he came back and he acted in many movies after that. Ek bahut lamba break liya tha unhone. Aur Bhagwan Rajneesh ke आश्रम में गए थे, वापस आए, कुछ फिल्म, बहुत सारी फिल्मों में काम किया. फिर से उनकी एक सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई थी और वो बहुत सक्सेसफुल रह चुके थे. He was a very quiet hero. Yes, एक प्रकार का just by mere physique से लगता है कि he just like quiet determination था उनकी आँखों में, and you felt that this is the kind of sort of a personality जो I really liked the way he sort of portrayed. और surprisingly जब उनकी पहली फिल्म आई थी 1968 में जिसका नाम था मन का मीत, उसमें लीना चंदावरकर थी और सुनील दत्त के भाई थे सोमदत्त, और ये सुनील दत्त ने फिल्म बनाई थी और इस विनोद खन्ना को इंट्रोड्यूस किया था और उसमें उनका विलन का रोल था. तो करियर की शुरुआत में उन्होंने कुछ विलन के रोल किए, बाद में हीरो के रोल किए, तो दोनों ही रोल में अच्छे अच्छे लगते थे वो. और अगर अमर अकबर एंटनी वो द क्लासिक फिल्म उसमें जो दोनों ऋषि कपूर एंड अमिताभ वर लाउड माउथ्स, बट ही वाज सच अ क्वाइट हीरो, जस्ट क्वाइटली एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल अच्छी तरह से निभाया था. बहुत बहुत ही बढ़िया. इट्स गुड टू हैव हिम देयर टू. ये दोनों तो इधर गोइंग बा 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 बा. चलो हम भी बा 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 बंद करते हैं और इट्स टाइम नाउ फॉर कम्युनिटी अनाउंसमेंट्स. का परिवार सोचता है कि जल सेना में जाने का उसका निर्णय करियर की दृष्टि से एक वृत्तिमतापूर्ण चयन था, क्योंकि उनको ये पता लगा कि जल सेना में उसका इंजीनियरिंग का शिक्षण और प्रशिक्षण ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स के अलावा अन्य बहुत सारे उद्योगों में भी मान्य है. उनको ये भी पता लगा कि उनकी बेटी को अपने करियर में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे और अदिति को एक ऐसा फलदायक करियर मिला है जिस पर उन सबको गर्व है. आप खुद पता लगाएं defensejobs.gov.au/family पर उनकी पूरी कहानी देखें. जी हाँ, रेडियो मनपस में कम्युनिटी अनाउंसमेंट अबाउट डिफेंस जॉब्स. और अभी हमारे जो भारतीय नागरिक और सब कॉन्टिनेंटल, दे आर ऑल्सो नाउ गेटिंग इंटरेस्टेड इन डिफेंस जॉब्स बिकॉज इट्स अ प्रोफेशन. जैसे इंडियन आर्मी में भी होता है, वंस यू वर्क इन द आर्मी देन योर सॉर्ट ऑफ करियर इज सेटअप आफ्टर दैट, क्योंकि द एक्सपीरियंस जो मिलता है उसमें जस्ट वर्किंग इन द आर्मी, द वे लीडरशिप क्वालिटीज दैट यू डेवलप इज समथिंग यू कैन नॉट गेट एनीवेयर एल्स इन एनी अदर प्रोफेशन. सो देखिए, डिफेंस जॉब्स का ये एडवर्टाइजिंग था. और जगदीश जी, आज तो आपका प्रोग्राम है, आप जितने भी आप चाहते हैं, ऑल दैट इज हैपनिंग. आप सोचते हैं कि ये होना चाहिए, इट्स हैपनिंग फॉर यू. तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया न्यूज, नॉट ओनली फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ यू आउट देयर. रियली, आपको पता है कि जो कैनबरा में वी हार्डली गेट, वेरी रेयरली, एक दो साल में एक बार एक लाइव म्यूजिक शो आता है कैनबरा को. Yes. तो आपको पता है कि उदित नारायण आए थे पहले, उसके बाद पहले गुलाम अली आए थे, पंकज उदास आए थे, अनुप जलोटा. यस. एंड टू सेटिस्फाई योर क्रेविंग्स, कमिंग टू कैनबरा सून, यू आर हियरिंग इट हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, वॉच दिस स्पेस, आ रही है रीचा शर्मा. रियली, अरे व्हाट अ सिंगर, क्या आवाज है. देखा, मेरे को पता है, जबरदस्त आवाज है उनकी. जी हाँ, बहुत सारे गाने उनके हैं और मेरे एक वन ऑफ द फेवरेट सिंगर्स है वो. एंड यू डोंट हैव टू वेट टू लॉन्ग. सो इसको लेके आ रहे हैं नन अदर देन संजय शर्मा एंड शाइना एंड राइस इवेंट्स के पंकज दास, और इस प्रोग्राम का नाम है बॉली सुफियाना. और ये रीचा शर्मा आ रहे लाइव इन कैनबरा अभी May 18th, Friday, 18th of May. Bus, you don't even have less than a month left. 18th of May at 7:30 p.m. at Gangalin Theatre. Jai, iska ticket prices abhi tak decide kiye hain ki VIP ka $60 hoga, gold ka $40 hoga, including a dinner box. तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप संजय शर्मा को फोन कर सकते हैं on 0413862659, 0413862659. और पंकज दास ऑन 0430412035, 0430412035 फॉर ऑल द स्पॉन्सरशिप अदर इंक्वायरीज. और रिचा शर्मा ऑन बॉलीवुड बॉली सुफियाना. तो आप तो इनके बारे में बहुत जानते होंगे कि शी इज़ कहते हैं ना, बोथ बॉलीवुड सिंगर एंड क्लासिकल एंड इन टू गजल्स और बेसिकली कंप्लीट पैकेज. आवाज में एक बहुत दम है, बहुत सॉलिड आवाज है उनकी. उनका एक गाना था, वो कांटे फिल्म आई थी जो जिसमें उन्हें गाना गाया था माही वे, वो बहुत ही सुपरहिट गाना है. और
मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद है, तो हम अब कौन सा गाना सुनेंगे? नहीं नहीं मेरे मेरे मुझे तो मुझे माफ़ करिए, आई एम टोटली लॉस्ट ऑन ऋचा शर्मा, इसलिए मैंने आप पर हैंडबॉल कर दिया कि आप बात कर सकते हैं उनके बारे में, क्योंकि आई डोंट नो मच अबाउट हर, बट आई थिंक दिस, ये अगर ये प्रोग्राम में आएंगे 18th ऑफ मे फ्राइडे को, तो आई एम श्योर देयर विल बी लॉट ऑफ कन्वर्ट्स एंड लॉट ऑफ लवर्स ऑफ ऋचा शर्मा म्यूजिक इन कैनबरा. यस, तो कोई मुझे पता नहीं है उनके कुछ फेमस गाने आपके कुछ आपको पता है, जैसे आपने कहा कांटे फिल्म का कोई गाना है, माही वे गाना है, ताल फिल्म में उनका एक गाना था निमें समझ गई, और एक आशा भोसले के साथ ताल में गाना था कहीं आग लगे लग जाए, तो उनकी और उनके प्राइवेट एल्बम्स भी कुछ आ चुके हैं, मगर ताल फिल्म का गाना बहुत ही पॉपुलर था, माही वे बहुत पॉपुलर था, बहुत सारे गाने हैं उनके. तो ये कैनबरा में आ रही है 18th में, और मुझे तो मैं तो ज़रूर जाऊंगा, बहुत ही मेरी फेवरेट गायिका है ये, उसको हमने कई बार किसी टीवी पे शोज में भी देखा है, एक बार कपिल शर्मा के शो में भी आई थी, तो कुछ एल्बम प्रमोट करने के लिए, तभी भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए थे, तो एक बहुत ही बढ़िया सिंगर है. तो आपने कहा ताल से कुछ गाना है, क्या कौन सा? नहीं निमें समझ गई, निमें समझ गई. अच्छा, सोचता हूँ अगर, लेकिन और एक बड़े फेमस आर्टिस्ट आ रहे हैं कैनबरा में, वो हैं गुरदास मान. ओ यस, वो तो पंजाब के बहुत ही बड़े सिंगर है. तो क्या वो सिर्फ पंजाबी में गाते हैं या कुछ हिंदी गाने भी हैं इनके उनके? अच्छा, एक फिल्म आई थी सिर्फ तुम करके, उसमें एक गाना था उनका, हिंदी गाना था. तो जैसे कहते हैं इंग्लिश में, व्हेन इट रेन्स इट पोर्स. यस, तो अभी नेक्स्ट मंथ आ रही है ऋचा शर्मा, और उसके बाद 3rd June को आ रहे हैं गुरदास मान एट द कैनबरा थिएटर सेंटर, और इसको ला रहे हैं गुरजन सिंह और अजय कुमार अंडर पंजाबी टच एंटरटेनमेंट. तो यू आर हियरिंग इट हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, ऋचा शर्मा इन मे एंड गुरदास मान इन जून. तो चलिए, गुरदास मान का कुछ आपने कहा था वो हिंदी गाने एक गाने सिर्फ तुम में गाना था उनका, एक बहुत ही अच्छा गाना है, उनकी आवाज़ भी जैसे ऋचा शर्मा की जो फीमेल वॉइस है उसी तरह से गुरदास मान की एक सॉलिड आवाज़ है, बहुत दमदार आवाज़ है, और उनके पंजाबी गाने तो है ही बहुत, पर ये हिंदी गाना सुनते हैं सिर्फ तुम से. फंस जाएगी
अरे कूड़ी फंसने जाएगी, यहाँ कूड़ा फंस गया है जी, हमारे सामने जो कूड़ा बैठा है जगदीश जी बोल रहे हैं लगाओ रिचा शर्मा, आई वांट रिचा शर्मा, यस माही वे, उसका वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स। जी हाँ कैनबरा वाले, यहाँ यू हर्ड इट हियर फर्स्ट, क्योंकि ये आ रही है रिचा शर्मा की शो ऑन 18th ऑफ मे एट द गंगालिन थिएटर, और उसके बारे में अगले प्रोग्राम में आपको पूरा जानकारी, क्वाइट अ बिट ऑफ दैट प्रोग्राम विल बी फोकस्ड ऑन दिस शो जो आने वाला है। लेकिन जगदीश जी पूछ रहे हैं कि ये माही वे जो गाना है इसको बजाना ही है, सो दैट यू गेट एन आइडिया ऑफ हु रिचा शर्मा इज। एग्जैक्टली, शायद उनका बहुत पॉपुलर सॉन्ग था एंड वेरी बिग हिट मूवी हिट सॉन्ग कांटे। ये गुरदास मान पीछे पीछे आ रहे हैं, वो भी बोलते हैं मुझे भी जरा प्रमोट करो, मैं बोला कर यार आपका गाना तो बज गया, नाउ यू बेटर यू क्वाइट एंड डाउन एंड लेट रिचा शर्मा, बिकॉज शी इज कमिंग फर्स्ट एंड यू आर कमिंग सेकंड। जी हाँ, दैट वॉज रिचा शर्मा, और रिचा शर्मा के और बहुत सारे गाने एंड प्रमोशंस प्रमोट होंगे अगले प्रोग्राम में। और आगे हम वी आर स्टिल इन द कम्युनिटी अनाउंसमेंट्स सेगमेंट जगदीश जी, और जैसे आज शायद लोगों को पता होगा कि जून लॉन्ग वीकेंड जो है क्वींस बर्थडे वीकेंड कैनबरा में, इट इज़ अबाउट लॉर्ड राम ओनली एंड नोबडी एल्स। जी हाँ, अखंड रामायण पाठ जो होता है इस जून लॉन्ग वीकेंड में बहुत सालों से चल रहा है, ये जो ट्रेडिशन है, और इस बार फिर से विष्णु शिवा मंदिर में हो रहा है ये अखंड रामायण पाठ। ऑन शुरुआत हो रही है जून 9th सैटरडे शनिवार को सुबह 10 बजे एंड रात भर चलता रहेगा, दिन रात भर, एंड इट विल फिनिश ऑन संडे जून 10th अगले दिन करीबन दोपहर के समय पर। और इसके बाद होगा भजन हवन आरती और महाप्रसाद, और इसको जो ला रहे हैं द फ्रेंड्स ऑफ द हिंदी समाज जो लेके आते हैं हर साल, तो आप भी इसमें भाग ले सकते हैं। और अगर आपको कुछ कांटेक्ट कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पंडित जी को फ़ोन करिए मंदिर ऑन 6286-6404, और अगर आपको ईमेल से कांटेक्ट करना है तो द ईमेल एड्रेस इज़ akhandramayan@gmail.com। जी हाँ, रिमेंबर मार्क द लॉन्ग वीकेंड डेज ऑफ सैटरडे जून 9th एंड संडे द जून 10th फॉर गोस्वामी तुलसीदास जी कृत अखंड रामायण पाठ। और जगदीश जी चलिए वी गेट बैक टू रेगुलर प्रोग्रामिंग, और जो हम जैसे बात कर रहे हैं जिन हस्तियों का जिनका बर्थडे था, जिनका पुण्यतिथि था, और एक बड़े से एक महान एक गीतकार थे जिनका नाम है शकील बदायूनी, और इनका जो पुण्यतिथि, ही डाइड लॉन्ग टाइम बैक 1970 अप्रैल द 20th, और इनका बहुत सारे गाने इन्होंने लिखे हैं। अरे शकील बदायूनी और नौशाद, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, अच्छा माय गॉड, दिस कॉम्बिनेशन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कॉम्बिनेशन था। आई मीन नौशाद के लिए उन्होंने पहली बार गाने लिखे थे, फिल्म आई थी 1947 में दर्द, उसके गाने
बहुत बहुत पॉपुलर हुए थे. ऑफकोर्स उसमें ना लता थी ना रफ़ी के गाने थे, सब अलग गाने थे, बट बहुत ही हिट गाने थे. तो नौशाद का उनका जो एक रिश्ता था, एक बहुत ही अनोखा रिश्ता था. नौशाद के लिए उन्होंने इतने बढ़िया गाने लिखे हैं, उनकी इतनी सारी फिल्में हैं नौशाद के लिए. मुगले आज़म है, बैजू बौरा है, दीदार, आन, गंगा जमुना, राम और शाम, सो मेनी मूवीज़. नौशाद, शकील बदायूनी, देवर इनसेपरेबल. अच्छा, बहुत बहुत फिल्में उनकी. और ऑफकोर्स उन्होंने और कई संगीतकार के लिए भी गाने लिखे थे, जैसे रवि के लिए 14वें का चांद के गाने लिखे थे, हेमंत कुमार के लिए 20 साल बाद के गाने लिखे थे, रवि के लिए तो बहुत सारे गाने थे. ऑफकोर्स ये 14 का चांद है, नर्तकी है, घराना है, तो एक बहुत ही लिरिकल गाने हुआ करते थे, बहुत ही रोमांटिक गाने. उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे हैं. अच्छा, जैसे देखिए वो मन तड़पत हरि दर्शन को आज लिखा है शकील बदायूनी ने, गाया है रफी ने, संगीत दिया है नौशाद ने. अरे रे रे, क्या बात है. और इसी को कहते हैं सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म. और एक अमर फिल्म आई थी जिसमें दिलीप कुमार थे, मधुबाला थी, उसमें अगेन शकील बदायूनी, नौशाद, रफी का गाना था, इंसाफ का मंदिर है, भगवान का घर है, ये भी एक भजन था. तो एक अलग अलग कॉम्बिनेशन था ये, जो रफी, नौशाद, शकील बदायूनी और लता. मेरे ख्याल से इफ यू वांट टू सेल सेक्युलरिज्म एज अ थीम इन इंडिया, इन प्रेजेंट डे इंडिया, वी शुड जस्ट लुक बैक ऑन टाइम एंड देखो ये exactly. क्या करा, कमाल कर दिया. कमाल कर दिया था. तो लो आज तो इससे लग रहा है कि जितने भी गाने बजा रहे हैं इट्स ऑल अबाउट इजी लिसनिंग. तो आपने दोनों गाने बता दिए, तो आई विल प्ले बोथ दोस सॉन्ग्स टुडे फॉर पीपल. सोचना नहीं है, ये गाना सुन के आपको पता ही चल जाएगा. वेरी वेरी पॉपुलर सॉन्ग, वेरी पॉपुलर सॉन्ग है, नन अदर देन शकील बदायूनी. चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो. चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो. चौदहवीं का चांद हो, जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैक प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो. चौदहवीं का चांद हो, चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल. जाने बहार तुम किस शायर का ख्वाब हो. चौदहवीं का चांद हो, होंठों पे खेलती है तबसुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में
करती है कहकशां, दुनिया ए हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो, चौदवी का चांद हो या फताब हो। A very, very popular song, Jagdish ji, not just for the voice of Rafi ji, but the words of Shakeel Badayuni. Immortal song, immortal words, as they say. Yes, yes, yes. Very, very big song. It was such a romantic song. Today, we listen to it, it feels very good. Rafi ji has sung it, Ravi ka sangeet hai, and Shakeel's bol hai. तो बहुत ही बढ़िया गाना था। तो शकील के बारे में आप कुछ और भी आपके पास कुछ कहने के लिए कुछ है कि वो एक प्रकार से बस मोर क्या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में गाया करते थे उनके गीत जो थे। हाँ, रोमांटिक गाने हुआ करते थे। यस, तो एक फिल्म आई थी लीडर 1964 में, उसमें गाना था, उसे लिखा था शकील साहब ने। ऑफ कोर्स, एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। बिकॉज़ ही इज अ रोमांटिक पोएट, रोमांटिक है, द किंग ऑफ रोमांस, नन अदर देन शाहजहां। चलो उनको आई विल पे ट्रिब्यूट विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। और उसी साल एक फिल्म आई थी गजल, जिसका नाम था, जिसका संगीत था मदन मोहन का, और गीत लिखे थे साहिर ने, साहिर लुधियानवी। यस, और मेरे ख्याल से ही इज एट क्वाइट एट opposite poles apart. Exactly, वो कम्युनिस्ट विचार वाले थे, तो उन्होंने उनको एक जो पैसे वाले लोग थे उनकी तरफ एक तरह से एक गुस्सा आता था उनको। तो उन्होंने कहा कि भाई शहंशाह के पास तो इतना पैसा था, उसमें क्या बड़ी बात है, उसने तो ताजमहल बनवा दिया तो क्यों, कौन सी बड़ी बात हो गई। अच्छा, अच्छा। आप लोगों ने तो गरीबों का मजाक उड़ाया है। तो उन्होंने एक गजल फिल्म आई थी उसमें एग्जैक्टली उल्टा गाना लिखा था कि शहंशाह ने ताजमहल बनवा के गरीबों का मजाक उड़ाया है। तो ऐसे भी झगड़े होते रहते हैं। थ्रू सॉन्ग्स रास्ते में आके मारपीट नहीं करते। यस, गीतों के माध्यम से they used to express their exactly, personal feelings. Yeah. अरे क्या बात है, I mean, imagine the films जो उस ज़माने में very much involved passion जो था उनको. Exactly, yeah. आजकल के it was not light fluffy stuff उस ज़माने में. They actually decided to take a stand on issues. Exactly, yeah, that's right, yeah. तो ले शकील बदानी के और एक आपने बताया था एक गाना very very popular, very popular on stage 20 साल बाद. 20 साल बाद, yeah. ये भी आजकल very evergreen song of course. ये भी है जो है and because of the voice of none other than Hemant Kumar. Yes. बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोख बिजलिया, आपकी अदा चुरा न ले कहीं। यूं कदम अकेले न आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़के चूम ले नया आपके कदम, देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़के चूम ले नया आपके कदम। खोए खोए भंवर भी है बाग में, कोई आपको बना न ले सनम, बहक बहक नजरों से खुद को बचाइए, आपको हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई।
अजीब है इनमें इस तरह चला न कीजिए खैर है इसी में आपकी हुजूर अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए सुन के दिल की बात यूं न मुस्कुराइए आपको हमारी कसम लौट आई बेतरार करके हमें यूं न जाइए आपको हमारी कसम लौट आई बेतरार करके हमें यूं न जाइए आपको हमारी कसम लौट आई बेकरार करके हमें यूं न जाइए आपको हमारी कसम लौट आइए अरे आपको पूरा फिट होता है इनका गाने जो क्योंकि आप भी एक रोमांटिक मिजाज के आदमी हैं और शकील बदायूनी भी रोमांटिक गाने लिखते थे तो लग रहा है कि आपको पूरा फिट हो रहा है आई डोंट थिंक साहिर लुधियानवी वुड फिट यू तो शकील बदायूनी ही डाइड वेरी आई मीन 1970 में यस वेरी यंग एज जी हाँ और इनके बहुत सारे गाने हैं बहुत बहुत पता नहीं कौन सा चुन के बजाने बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है तो उस जमाने में जितने भी कैफी आजमी शकील बदायूनी साहिर लुधियानवी और जितने भी गीतकार थे दे ऑल प्रोड्यूस आई डोंट नो हाउ दे इनका हाउ डिड इतना फर्टाइल इमेजिनेशन था कि दे कुड प्रोड्यूस सो मेनी सॉन्ग्स वन आफ्टर द अदर कैसे करते थे वो लोग ये एक गुलशन बावरा थे यस ये तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आई थिंक शकील बदायूनी को छोड़ देते हैं वी विल प्रोबब्ली हैव अ स्पेशल शो फॉर हिम सम टाइम लेटर यस श्योर तो अभी बात करते हैं एक महान बहुत महान एक डायरेक्टर Maybe they might, you can say, arguably India's greatest director. Maybe who got more awards and praise outside India than within India. Yes, or yes. got recognition. Us zamane mein, they felt that he was trying to portray India as a poor nation or poverty. Yeah, some people criticized him for that. He is cashing it on India's poverty. No, I don't think so. Criticism हुआ था उस जमाने में हम बात कर रहे हैं none other than the great Satyajit Ray or is it Satyajit Ray? Satyajit Ray is how I used to pronounce it. Yeah. उनके जितने भी movies थे I think पातेर पंचली जो है India में देखने को नहीं मिला I yes. came and saw it first here in Australia yeah. and I was so moved by that movie that was the first one of the trilogy जो कहते हैं वो देखे I was almost on I was really in tears. So I really could not find the strength to watch the next two movies of the trilogy. Kaun sa tha Parajito or something and Apurushanshar. Apurushanshar, yeah. But I think he made only not many movies in Hindi. So pehle unki ek popular ek movie tha Charula tha. Very popular in the Bengali. Yeah. Bahut sare Bengali movies banaye the, of course. And he was also a very good photographer. He was also a very good artist in so many respects. He was also a music director, mere khayal se, and cinematographer. Unka jo, the way he portrayed some scenes, na, jo leke aaye the, I think he sort of set a trailblazer, you could say. Yeah. Baki sab log jitne aaye the, baki they just copied what he had to do, what he did. तो मेरे ख्याल से ये गाना जो हमने शायद इसके पहले बजाया भी है बट स्टिल आई थिंक इट डिजर्व्स अ रिपीट लिसनिंग चीनी तुम्हारे ओ गो विदेशिनी हमी चीनी गो चीनी तुम्हारे ओ गो विदेशिनी তুমি থাকো সিন্ধু পারে তুমি থাকো সিন্ধু পারে ওগো বিদেশিনী ওগো বিদেশিনী দেখেছি শারদ প্রাতে তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে তোমায় দেখেছি শারদ প্রাতে তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে তোমায় দেখেছি হৃদিমাঝারে তোমায় দেখেছি
যদি মাঝারে ও গো বিদেশিনী আমি আকাশে পাতিয়া গান শুনেছি শুনেছি তোমারি গান আমি আকাশে পাতিয়া গান শুনেছি শুনেছি তোমারি গান আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ গো বিদেশিনী আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ গো বিদেশিনী ভুবন ভ্রমিয়া শেষে আমি এসেছি নূতন দেশে ভুবন ভ্রমিয়া শেষে আমি এসেছি নূতন দেশে আমি অতিথি তোমারি দ্বারে আমি অতিথি তোমারি দ্বারে ও গো বিদেশিনী ও গো বিদেশিনী ও গো বিদেশিনী ও গো বিদেশিনী আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও বউ ঠাকুরানী What a lovely voice of Kishore Kumar. And Yeta from the movie Charulata by Satyajit Ray, Jinka Punyati Tita on the 23rd of April. He died in 1992. Aur unke favorite stars this mein, that is Madhabi Mukherjee and Soumitra Chatterjee. Aur ek baat kehna chahunga ki Jaya Bahadur yane अभी तो जया बच्चन है जया बहादुरी को उन्होंने एक फिल्म में बंगाली फिल्म में एज अ टीनेजर रोल दिया था जो एक फिल्म आई थी महानगर 1963 में अच्छा। तो उसमें जया बहादुरी ने कुछ रोल किया था शायद उनका शायद फर्स्ट मूवी हो सकता है यस या बंगाली जी हाँ एंड जैसे मैंने कहा था कि सत्यजीत रे इज very very probably when you say Indian movies outside India they probably the first name Satyajit Ray comes yeah aata hai aur for some reason he inka ek movie aaya tha sadgati karke I remember seeing that us zamane mein doordarshan mein doordarshan pe and again it was all about poverty kyunki I think it is based on Munshi Premchand ke stories Munshi Premchand mein jitne bhi unke kahaniyan hain Godar, you know, all those sort of movies are sort of based on the poverty which was there in India, in in British India. So Sadgati mein bhi the, I think I remember it was Mohan Agashe the usme, or it was also very painful to watch that movie. So that was only the second Hindi movie he made. Unka pehla Hindi movie was Shatranj Ke Khiladi. Yeah. Again, a class movie. Class movie, yes. Aur jisme, I think... अमजद खान जो थे पोस्ट शोले अमजद खान भी जैसे आपने कहा मैकमोहन वाज अ स्कॉलर ना इंग्लिश स्कॉलर अमजद खान इज आल्सो अ स्कॉलर ही स्टडीड इन आई थिंक नेशनल कॉलेज इन बांद्रा एंड ही वाज अ स्कॉलर इन इंग्लिश एंड द फिलोसफी यस या तो जो मूवीज में जो रोल किए थे इन रियल लाइफ वाज क्वाइट डिफरेंट यस दैट्स राइट या और शतरंज के खिलाड़ी में उन्होंने जो रोल किया था ऑफ वाजिद अली शाह एंड इट्स अ क्लासिक मूवी आई थिंक उसमें भी कि दो लोग शतरंज खेल रहे हैं एंड उनको ये पता नहीं कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है बाहर दुनिया क्या उनके खुद के घर में क्या हो रहा है ये भी पता नहीं था yes. तो शतरंज के खिलाड़ी में जो जो म्यूजिक था वाज आल्सो ब्यूटीफुल म्यूजिक वेरी क्लासिकल बेस्ड म्यूजिक था बिकॉज अबाउट उस जमाने के जो रॉयल फैमिलीज में जो हुआ करता था म्यूजिक हिंदुस्तानी म्यूजिक दैट वाज प्रेवेलेंट इन दैट टाइम तो चलिए उसी शतरंज के खिलाड़ी के एक गाने से we remember Satyajit Ray, the great music, the great director. Yeah. Kanha me to se hari, chodu sari. Kanha me to se hari, chodu sari. Kanha me to se hari. छोड़ सरी सु
सुनो बिहारी नहीं मैं दूंगी तो हे गरी सुनो बिहारी नहीं मैं दूंगी तो हे गरी कान्हा मैं तो से हरी छोड़ो सरी तारे कान्हा मैं तो से हरी कान्हा मैं तो से हरी निस दिन करत नहीं जान दर्द निस दिन से दिन छेड़ करत नहीं जान दर्द निस दिन छेड़ करत नहीं जान दर्द पन घटवागी दर सकीरी छोड़ो जी पेट गूंगटा ना उलटा छोड़ो जी पेट गूंगटा ना उलटो बिंदा सुनो ये नहीं माने देख सब नारी का नाम तो से हरी छोड़ो तेरी का नाम तो से हरी का नाम तो से जी आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के और अभी आपने जो गाना सुना वो सत्यजीत रे के डायरेक्टर शतरंज के खिलाड़ी मूवी से है एंड ऑब्वियसली इट्स अ वेरी हेवी क्लासिकल पीस और बात कर रहे हैं हम एक महान एक ब्रेनी डायरेक्टर के बारे में अभी एक बात करते हैं जगदीश जी एक ब्रेनी गीतकार के बारे में Yes. हमने बात किया आज शकील बदायूनी के बारे में बट देयर वाज अनदर ब्रेनी गीतकार जिनके बारे में जिनका बर्थडे था पिछले महीने जिनके बारे में लोग शायद भूल गए हैं उनका नाम भी ऐसा ही इट्स नॉट लाइक शकील बदायूनी और साहिर लुधियानवी उनका नाम काफी सिंपल है योगेश yes. बस योगेश आई डोंट थिंक ही न्यू हाउ टू मार्केट हिमसेल्फ एग्जैक्टली नहीं तो इसका नाम रखना चाहे योगेश लखनवी और समथिंग क्योंकि ये है थे लखनऊ के और इनके जो फेवरेट डायरेक्टर्स व द ब्रेनी बंगाली डायरेक्टर्स बासु चटर्जी एंड ऋषिकेश मुखर्जी उन्होंने इनको यूज़ किया था बिकॉज दे थॉट दैट इनके जो बोल हैं दे आर सो सिंपल बट एट द सेम टाइम सो डीप इन देयर मीनिंग और जब उनको सबसे
पहले उनका फुल नाम था योगेश गौर और कहते हैं कि बासु चटर्जी ऋषिकेश मुखर्जी दे रियली लाइक्ड हिम और योगेश जी ने कुछ गाने लिखे थे एंड दिस वाज फॉर सम प्रोड्यूसर्स कॉल्ड एल बी लक्ष्मण उनके मूवी के लिए लिखे थे और हुआ था कि लक्ष्मण जी बोले नहीं नहीं ये गाने मेरे फिल्म के हैं बट उस जमाने के सुपरस्टार्स राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन और ऋषिकेश मुखर्जी ये गाने सुने और बोले मेरे जो फिल्म है आने वाली है उसके लिए एक गाने चाहिए और बच्चन जी जो थे अमिताभ बच्चन ही वाज ओनली सेकंड हीरो इन द मूवी नए थे सेकंड लीड थे उनका जस्ट डॉक्टर रोल इन उन्होंने बोला कि अरे ये गाना कैसे थे बोले ये क्योंकि बच्चन जी इज ऑल्सो फ्रॉम अ लिटररी ट्रेडिशन ऑफ कोर्स हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं उन्होंने नहीं नहीं गाना चाहिए तो जाके पूछे थे लक्ष्मण जी को इन्होंने कि बच्चन जी ये बच्चन जो हैं और राजेश खन्ना हैं और ऋषिकेश मुखर्जी मांग रहे हैं ये गाने उनके फिल्म के लिए तो लक्ष्मण जी मान गए एंड ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा विद दिस क्लूज कि ये फिल्म कौन सा था और ये किसके बारे में बात कर रहे हैं गाने कौन से थे दिस इज नन अदर देन आनंद आनंद एंड दिस गाना जो है विच बिकेम ओवरनाइट पॉपुलर इज कहीं दूर जब दिन ढल जाए और ये सुनकर के ऋषिकेश मुखर्जी वाज सो हैप्पी अरे क्या गाना है क्या वर्ड्स हैं वाओ ये फिल्म के लिए और एक आप गाना लिख सकते हैं तो उन्होंने लिख दिया एक गाना जिसको गाए थे नन अदर देन मन्ना डे जी और आप तो जानते ही हैं कौन सा गाना था जिंदगी कैसी है पहेली हाय कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए दीज टू सॉन्ग्स एनकम्पस वॉट आनंद द मूवी इज ऑल अबाउट The happy-go-lucky person who knows that death is waiting for him. ये गाने तो, I mean, आँख बंद करके आप सुनेंगे तो you can really picturize the whole movie. Exactly. और इसी कहते हैं कि इसी फिल्म में और एक गाना है, मैंने तेरे लिए ही साथ रंगे सपने चुने. इसको तो people started associated कि इस फिल्म में जितने भी प्यारे से गाने ये सब योगेश जी ने लिखा है. But unfortunately, the song was written by Gulzar. तो लोग आते थे अरे ये भी गाना बहुत बढ़िया तो कहते हैं नहीं नहीं ये गाना मैंने नहीं लिखा है गुलजार ने लिखा है. तो इनकी जो तो क्या है कि द हीरोइंस है वो दे स्टार्टेड रियली लाइकिंग दिस पर्सन की दे यूज्ड टू कॉल हिम शायर तो दे यूज्ड टू से अरे शायर जी आप कुछ तो हमको सुनाइए आज. सो ही बिकेम वेरी पॉपुलर विद द हीरोइंस But he was quite a very quiet person and he just stuck to making, writing beautiful songs. So, Rajinikanth film se gana hai, Mukesh ji ki awaaz mein. Aur I think Mukesh ji got the Filmfare Award for, after all these years, he got the Filmfare Award for this song. Yeah. Which was just, it's a beautiful song. Beautiful song, yes. But this is not really this kind of song that popularized Mukesh in his heyday. So, aapko pata hi hoga, kaun sa gaane ke baare mein baat kar raha hu. So this song is something that characterizes the great Yogesh, jinka birthday tha, he's 75 last month. Yeah. Ye jo man ki seema rekha hai, man todne lagta hai. बार यू भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है मन तोड़ने लगता है अनजानी प्यास के पीछे अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है राहों में राहों
रख लूं मन सजा के। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। क्या गाने, आई जस्ट वॉन्ट टू क्लोज माई आईज एंड लिसन टू दिस सॉन्ग। सर लेकिन हमारे जगदीश जी हैज इमीडिएटली ब्रॉट अनदर पीस ऑफ ट्रिविया। आपने बात की आनंद फिल्म की जो 1970 में आई थी, राजेश खन्ना थे, अमिताभ बच्चन थे, उसमें गाना था जैसे आपने कहा जिंदगी कैसी है पहेली। ये गाना पहले गुलजार साहब के लिए ऋषिकेश मुखर्जी ने बोला था कि ये गाना आप लिखिए, मगर उनको कहीं जाना पड़ा तो बाद में ये गाना लिखने के लिए योगेश जी को बोला गया। तो योगेश जी ने गाना लिखा पूरा, मगर बाद में जब एडिटिंग पे फिल्म गई तो ऋषिकेश मुखर्जी को लगा कि ये फिल्म में मैं कहीं ये गाना फिट ही नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि मैं ये टाइटल्स के समय ये गाना बैकग्राउंड में बजा दूंगा। अच्छा। तो ये बात जब राजेश खन्ना को पता चली तो दौड़ते दौड़ते चले गए ऋषिकेश मुखर्जी के साथ। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये गाना बैकग्राउंड में बिल्कुल नहीं चलेगा, इसका सब सिग्निफिकेंस है वो सब चला जाएगा। तो बाद में ये गाना फिल्म में इंक्लूड किया गया, यानी राजेश खन्ना गा रहे हैं ऐसा, वो टाइटल्स में नहीं था, टाइटल्स के जस्ट जब टाइटल्स चलते हैं तभी नहीं था। तो राजेश खन्ना ने कहा कि मैं मुझ पर पिक्चराइज करिए, और तो देखो गाना इतना बढ़िया था तो राजेश खन्ना को लगा कि ये वेस्ट हो जाएगा टाइटल्स के बैकग्राउंड में अगर आप लगाओगे। तो ही ऑलवेज ये गाना था, राजेश खन्ना को हमेशा थैंक्स कहते हैं कि भाई उनके कारण ये गाना मेरा फिल्म में इंक्लूड किया गया। जिस आप जिस गाने के बारे में बात, जिंदगी कैसी है पहेली, और इतना हिट हो गया गाना। शायद ये जस्ट टाइटल्स के समय अगर बचता तो शायद इतना फेमस नहीं होता था। The way it is picturized on Rajesh Khanna, exactly, on the beach, yeah, with the balloons. और राजेश खन्ना तब सुपरस्टार बन चुके थे आराधना के बाद, और उनको पता भी था which button to press, you know, तो उन्होंने directly जाके director से बात की, ये गाना मेरे situation में होना चाहिए, और director ने मान लिया, और देखो नतीजा का बहुत बढ़िया नतीजा निकला। वाह क्या बात है, very good. So this is the kind of magic that Yogesh could produce. Yes. And I wish he was still active today, but. और उन्होंने अभी जो गाना गाया था दैट इज संग बाय मुकेश जी, लेकिन किशोर जी के लिए भी उन्होंने बहुत ही बहुत सारे प्यारे बहुत, गाने बहुत लिखे है। और मंजिल फिल्म में जो उन्होंने किशोर के लिए लिखा था जो गाना है, इवन नाउ अगर किसी को बोले कि किशोर कुमार का एक गाना गाओ तो मेरे ख्याल से आजकल के जितने भी हैं दे स्टार्ट विद दिस सॉन्ग, इट्स सच अ लवली सॉन्ग एंड इट्स समथिंग लाइक यू कुड से दिस इज ट्रू किशोर इन फॉर्म एंड ब्यूटिफुल वर्ड्स ब्यूटिफुल म्यूजिक। रिमझिम गिर सावन सुलग सुलग जाए जिगे, आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिर सावन सुलग सुलग जाए मन, जिगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिर सावन के नमूदे
देखे सपने नयन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिमझिम गिरे सावन दिल में कैसे कह दे किसी से दिल बंध रहा है किस अजनबी से महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बंध रहा है किस अजनबी करे अब क्या जतन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी Oh, this is vintage Kishore, like I'll say, and none other than the words of Yogesh ji to bring out the magic of Kishore. और एक गाना है किशोर का जो शायद हमने कभी बजाया नहीं है नहीं कभी नहीं वो है फ्रॉम द फिल्म प्रियतमा और जिसमें दिस इज पिक्चराइज्ड ऑन राकेश रोशन और ऑब्वियसली इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनके भाई है राजेश रोशन हैं तो अगेन बचपन में आई यूज्ड टू लव दिस सॉन्ग एंड आई एम क्वाइट हैप्पी टुडे कि आई गेट द चांस टू प्ले दिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रेडियो मनपसंद यस जी हाँ श्रोता आप सुन रहे थे रेडियो मन पसंद हम दोनों दीवाने यहाँ पे स्टूडियो में बैठे हैं दो घंटे से हम चला रहे हैं ये प्रोग्राम और आप को सोच रहे होंगे अरे कोई रोको ना इन दीवानों को अरे आप क्यों है रोकने के लिए हाँ एक घड़ी बता रही है कि हमको रुकना ही चाहिए yes, तो yeah. आज का प्रोग्राम हम प्रेजेंट किए थे यानी
मैं हूं आरजे मणि और मेरे साथ हैं आरजे जगदीश। अगर आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा या ना पसंद आया होगा तो ज़रूर हमें फीडबैक भेजिए ऑन रेडियो मनपसंद एट याहू डॉट कॉम डॉट ए यू। एंड कि हमारा अगला प्रोग्राम है जो मंगलवार के शाम 7 से 8 बजे तक, दैट्स आवर रेगुलर स्केड्यूल, रविवार के सुबह 10 से 12 बजे और मंगलवार के शाम 7 से 8 बजे, सुनना ना भूलिएगा। और वैसे एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे, रेस्ट ऑफ द वीक। हमने बहुत इस बार हमने बात तो बहुत किया है लेकिन आपने कुछ कहा नहीं हमसे, क्योंकि ऑब्वियसली द फोन्स इन द स्टूडियो वर नॉट वर्किंग टुडे। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं और कहते हैं हैव एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे, एंजॉय द रेस्ट ऑफ द वीक, एंड वी विल सी यू सून, नॉट सी यू सून, वी विल लिसन टू अस सून सम टाइम इन द नियर फ्यूचर। तो तब तक के लिए गुड बाय, सायनारा, अलविदा। धूप ने खिला है चांद, दिन रात हो गई, प्यार की बिना कही सुने ही बात हो गई। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा, के धूप ने खिला है चांद, दिन रात हो गई, प्यार की बिना कही सुने ही बात हो गई। बदल रही है जिंदगी, बदल रहे हैं हम, फिरत रही है जाने आज क्यों मेरे कदम, मेरे कदम, मेरे कदम। किसी को हो न हो मगर हमें तो है पता, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा, के धूप ने खिला है चांद, दिन रात हो गई, प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। भूली सी आज सांसों में किसी की सांस है, सांस है, सांस है, ये कान आज दिल में मेरे आस पास है, ये धीरे धीरे हो रहा है प्यार का नशा। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा कहा, कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा लगा, लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई, ये लग रहा है सारी उलझने सुलझ गई, सुलझ गई, ये बर्तनों की बात धड़कने समझ गई। न बोलिए के बोलने को कुछ नहीं रहा, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा, ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा, के धूप ने खिला है चांद, दिन में रात हो गई, ये प्यार की बिना कहे सुने